नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बात किया था फूड चेन के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे हम फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे चैनल में पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो जानते हैं कि फूड वेब क्या है और इसको हम क्या क्या एग्जाम्पल से इसको यहाँ पर जान सकते हैं। फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जैसे हमने देखा था फूड चेन क्या होता है, जब हम फूड चेन का बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है इस टाइप से। जैसे ग्रासेस है, उसके बाद क्रिकेट्स ग्रासेस को खा रहा था, बर्ड खा रहा था, देन स्नेक खा रहा था, ये होता है फूड चेन। तो यहाँ पे फूड वेब के मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारा फूड चेन अगर इंटरकनेक्टेड होगा, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे, तब जाके ये वेब फॉर्म करेगा। उसी वेब को हम बोलेंगे फूड वेब बोलेंगे। इन ए फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ऑर्गेनिज्म से फूड मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ग्रासेस है, ओके, ये सनफ्लावर का दिया है यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिए। इसको कौन खा रहा है, ये इंसेक्ट भी खा रहा है, इसके बाद ए भी इसको खा रहा है ना, एक से ज़्यादा इसको ये क्या ग्रास होपर भी इसको खा रहा है, देन ये दूसरा वाला इंसेक्ट भी खा रहा है। तो एक इंसेक्ट को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अगर खाते हैं या एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो ये क्या बनेगा, एक इंटरकनेक्टेड वेब बनेगा। एंड दैट वेब इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ फूड चेन। बहुत सारा फूड चेन मिलने के बाद एक फूड वेब बनता है। तो सिंपल वे में ये डायग्राम है, आप बहुत सारा फूड वेब देखना चाहेंगे अलग अलग एग्जाम्पल, ये एक फूड वेब का डायग्राम है, ये दूसरा फूड वेब का डायग्राम है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा फूड चेन कनेक्टेड है। फूड चेन मतलब सीधा स्ट्रेट चेन होता है, फूड चेन बहुत सारा कनेक्टेड होने के बाद फूड वेब बनता है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप ये डिफिनेशन लिख के आप एग्जाम्पल का दे सकते हैं, ये सिंपल फूड वेब है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, फूड वेब क्या होता है, इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या देंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप इसी में से आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।